आपके मन के पाप भी धुल जा। बिना ऑपरेट, बिना चीर फाड़, बिना कुछ किए किसने ये बड़ा काम किया है? इस बहन का नाम चरणजीत कौर है और जेवल्ला गांव के रहने वाले हैं और जिस सिस्टर की बहुत बड़ी गवाही है और इनकी गवाही जे बतारे के 3 महीने हो गए थे। इनके गले में बहुत ही बड़ी गिल्टी की प्रॉब्लम थी, बहुत ज़्यादा परेशान थे जे इस प्रॉब्लम के, गिल्टी की प्रॉब्लम से, क्योंकि जे बताते कि जब भी जे खाना खाते इनको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी क्योंकि गिल्टी इतनी बड़ी थी, इनको बहुत ज़्यादा दर्द होती थी और उस गिल्टी के कारण इनके गले में बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो गई थी, बहुत ज़्यादा इनका गला फूल चुका था सूजन के कारण और जे बहुत परेशान थे और इन्होंने मेडिसिन भी खा रहे थे पर जे बता रही कि इनको कोई भी फ़र्क नहीं पड़ रहा था और जे बहुत परेशान हो गए थे और जे बताते कि जे मीटिंग में तो आ रहे थे पर इस कंडीशन, इस हालात के कारण जो इनको विश्वास हमें परमेश्वर को देना चाहिए वो विश्वास इस बहन का बन नहीं पा रहा था। और जैसे ही जे मीटिंग में आ रहे थे और इन्होंने बताया कि जे प्रेयर टाइम में भी कॉल करते रहे कि जो मेरी प्रॉब्लम है बहुत ज़्यादा है और जैसे टीम इनको उत्साहित भी करती थी कि आप बस परमेश्वर पर विश्वास करें, धन्यवाद में बने रहें और परमेश्वर आपके लिए कर चुके हैं। और जैसे जे मीटिंग में आते रहे और इन्होंने बताया कि जैसे 27 मार्च की मीटिंग में आए और प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए प्रार्थना हुई, ले हैंड हुई। अभी हम इस वीडियो क्लिप को देखेंगे। काम करा, चलो खड़ जा और दुनिया में क्या चाहिए, और दुनिया में क्या चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, आज सबको शिफा चाहिए, छोड़ से पूरी तरह आज सब छोड़ चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चाहिए, चल गंदी आत्मा निकल इसके जीवन से, चल इसकी बॉडी से शिफा, चल बीमारी देने वाली आत्मा, चल चल उखड़ उखड़ सबको शिफा चाहिए, चल तेरे रूह का मसा चाहिए, तेरे रूह का मसा चल बीमारी देने वाली गंदी आत्मा, चल चल उखड़,
सारे बंधन भी खुल जाएंगे। चल आज तेरा लास्ट दिन है ओए शैतान, चल आज तेरा लास्ट दिन है, चल आज तेरा लास्ट दिन है, चल आज तेरा लास्ट दिन है, चल गंदी आत्मा, चल आज तेरा लास्ट दिन है, चल बीमारी देने वाली गंदी आत्मा, चल चल उकड़, चल चल छोड़, चल छोड़, चल छोड़ 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 छोड़, चल निकल पूरी तरह से, चल आज तेरा लास्ट दिन है, चल आज तेरा लास्ट दिन है, चल यीशु के नाम से चल उखड़ जा। बोल तेरा नाम क्या है, बोल बोल शैतान, बोल क्या नाम है तेरा, हाँ बोल क्या नाम है तेरा, क्यों पकड़ा तूने, हाँ क्या नाम है तेरा, बोल क्या नाम है, बोल हाँ खेत्रपाल है, चल आज खेत्रपाल, जानता है ना तू, मुझे जानता है कि नहीं जानता, ओए खेत्रपाल इधर देख, ओए खेत्रपाल इधर देख, देख इधर, देख इधर तेरे सामने कौन है, चल देख इधर, चल लो खेत्रपाल, चल ओए चलो खड़, चल यीशु के नाम से गंदी आत्मा जो भी तुम, चलो खड़ जा, आउट 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 आउट, चल पूरी तरह से तुझे पार करता हूं इसकी बॉडी से, चल हमेशा के लिए आउट आउट, चल खेत्रपाल, चल चलो खड़, शट उसे, शट, और जो बता रहे कि जैसे ही उस दिन इनके लिए ले एंड हुई और दुष्ट आत्मा प्रकट हो गया और नेगेटिव पावर ने इतनी गले को भी इतना कंट्रोल कर लिया था और जैसे ही इनके लिए प्रेयर हुई और प्रभु के दास ने इस दुष्ट आत्मा को डांटा और उस दिन से परमेश्वर को आजाद किया। पर जी बता रहे कि जब भी जे खाना खाते जब पानी पीते तो उनको बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, पर जी विश्वास में बने रहे कि परमेश्वर जो प्रार्थना मेरे लिए हुई है आज से परमेश्वर मेरी गली की प्रॉब्लम जो गिल्टी है उससे आप मुझे आजाद कर चुके। और जी इन्होंने बताया कि जे 3 पर्सनल मीटिंग में आए और प्रभु के दास इनको और भी उत्साहित किया, टीच किया कि आज से आपकी प्रॉब्लम बिल्कुल जा चुकी है। और जैसे जी विश्वास करते रहे और आज ये बता रहे हैं कि परमेश्वर ने इनको पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आजाद कर दिया है। अभी जो खाना भी खाते पानी भी पी रहे हैं, इनको कोई भी दिक्कत नहीं, इनके गले में कोई स्वेलिंग नहीं है। आज पूरी तरह से परमेश्वर ने जो 3 महीने से बहुत बड़ी गिल्टी की प्रॉब्लम थी और आज परमेश्वर ने इनको आजाद कर दिया इस प्रॉब्लम से। और सुनो सुनो ये नीचे करो अपने ये दुपट्टे को नीचे करो, ध्यान से देखो सब, दिखाओ मुझे भी थोड़ा सा, इधर इस साइड थिंग उस साइड। अब अभी आपने अभी वीडियो क्लिप में देखा इनका गला सूज कर यहां तक आ गया था पूरा ऊपर, बोलो क्या था, क्योंकि वो गिल्टी बढ़ गई और गला सूज गया था पूरा, जिसके कारण पानी पीना भी इन्हें दिक्कत आ रही थी, बोलो क्या है, रोटी खाने में तो दिक्कत आ रही थी पर पानी पीने में भी इतने थोड़ा थोड़ा घूट घूट ऐसे पीते, इतनी प्रॉब्लम बढ़ गई। इसके कारण हालात के कारण इनका विश्वास बन नहीं पा रहा, दुष्ट आत्मा तो चले गया जिस दिन ले हैंड हुई, दुष्ट आत्मा तो चला गया, बोलो क्या है? पर उस चीज को लेकर ये विश्वास तो करते रहे, फिर भी थोड़ा टाइम लगा, इसलिए बाद में जो हम पर्सनल मीटिंग करते हैं अगर कईयों का तो विश्वास बड़ा है तो हो जाता है, बोलो क्या है, तुरंत भी हो जाता है, एक दिन में भी हो जाएगा, समझ आ रहे हैं? पर इनका क्योंकि दिक्कत बहुत थी, दर्द बहुत थी, क्योंकि पूरा गिल्टी इतनी बड़ी हो गई, पूरा ये गला सूज गया, बहुत मुश्किल थी, जिनको तकलीफ थी इन्हें पूछो तब इनका क्या हाल था, क्या हाल हो रहा था इनका, कितनी सोना भी इन्हें, बोलो क्या है, सोने में भी इतनी दिक्कत आ रही क्योंकि सांस लेने में बड़ी तकलीफ आ रही,
सांस लेने में। मुझे पता है जब ये पर्सनल मीटिंग में आया मुझे मिली क्या हालत थी, बोले क्या थी, कितनी मुश्किल में जब ये प्रॉब्लम थी कैसे उन दिनों में इन्होंने अपने दिन काटे। इसलिए लिखा जिसने शरीर में दुख उठा लिया वो पाप से छूट। कुछ लोग उठा नहीं पाते, हार जाते, घुटने टेक लेते हैं, पर ये खड़े रहे। जो जो मैंने समझाया बताया उसमें खड़े रहे, अपना मन खराब नहीं किया, इधर उधर नहीं किया, बोलो क्या है, अपना मन खराब नहीं किया, इधर उधर नहीं किया, वो चीज में बने रहे। और आज आपके सामने, बोलो क्या, आज आपके सामने है। देखो अभी आपने फिर से दिखाओ गला उस साइड से, दिखाओ दिखाओ अच्छे से कैमरा में लो, देखो अब देखो, अब पहले वाली पिक जो अभी आपने वीडियो में देखा और अब देखो, आधे से आधा हो गया, आधे से क्या हो गया, आधा हो गया, ये डबल हो गया था गला, इतना किल्टी इतनी बड़ी हो गई और ऐसे सूज, बोलो क्या है। और ये उन दिनों में बहुत ऐसे कुछ बुद्धि लगा रहे थे मैं ऑपरेट ना करा लूं, मैंने मना किया क्योंकि ये तकलीफ सही नहीं जा रही थी इनसे, तो बोले मैं ऑपरेट करवा लूं, मैंने मना किया, मैंने नहीं कुछ नहीं करना, परमेश्वर करेगा, क्या करेगा, परमेश्वर करेगा। अगर इन्होंने उस बात को सुना और विश्वास किया और खड़े रहे परमेश्वर के साथ तो आज ये टोटली पूरी तरह से, बोलो क्या, टोटली फ्री है, ये पूरी तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई सूजन नहीं, कोई गिल्टी नहीं, कोई कुछ नहीं है आपके सामने और भले चंगे हैं। ये कौन करता है ऐसा, ऐसे काम कौन करता और कब करता है, कब करता है, जब तक हमारा विश्वास उस चीज के लिए बनता नहीं। ये परमेश्वर का एक रूल है, नियम है, बोलो क्या है, ये रूल है परमेश्वर का, जब तक आपका विश्वास नहीं बनेगा। इसलिए बाइबल में लिखा बिना विश्वास से उसे खुश करना क्या है, अनहोना है, बोलो क्या है। जैसे विश्वास बना, अपने मन को सही किया, क्योंकि मन जब तक दो चित्ता है, जैसे यकूब की पत्री में लिखा वो मनुष्य मुझसे कुछ नहीं पा सकता, दो चित्ते मन वाला मनुष्य मुझसे कुछ भी पा, कुछ नहीं ले सकता मुझसे, जब तक दो मन था तब तक नहीं हुआ, जैसे एक मन किया, मैंने समझाया और इन्होंने उस बात को पकड़ा और खड़े रहे और आज ये फ्री है। इसलिए ये बड़ी गवाही है, बड़ा काम खुदा ने किया है। कुछ भी हो सकता था, गले को ऑपरेट करना था, गिल्टी को निकालना था, पता नहीं कितने दिन पट्टी रहती, जख्म होता, पता नहीं क्या होता, बिना ऑपरेट, बिना चीरफाड़, बिना कुछ किए किसने ये बड़ा काम किया है। अपने दोनों हाथों को उठाकर उस खुदा की जोर से तारीफ करें। तेरा फजल मेरे लिए काफी है, दिल से दिल से नहीं काफी है, तेरा फजल मेरे नहीं काफी है, तेरा फजल मेरे नहीं काफी है, तेरा फजल मेरे नहीं काफी है, मिली तेरे कहूँ से मुझे माफी है, मिली तेरे कहूँ से मुझे माफी है, तेरा फजल मेरे नहीं काफी है, तेरा फजल मेरे नहीं काफी है।